हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं पेट फॉर यू यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि रोजाना ही मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। उसके अलावा अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी हुई है, आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पिटबुल वर्सेस पाकिस्तानी बुली को लेके। तो पिटबुल का ओरिजिन अमेरिका से है और वहां पे इसे पिट्स में बुल और बियर जैसे जानवरों के साथ फाइट में यूज किया जाता था, जबकि पाकिस्तानी डॉग का ओरिजिन इंडिया से है। ये नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट जैसे पंजाब हरियाणा में पाया जाता है, उसके अलावा ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है और इसको कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग के रूप में यूज किया जाता था। तो अब बात करें अगर इन डॉग के एग्रेशन की, तो ये दोनों ही फाइटिंग डॉग ब्रीड्स हैं इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती हैं। और बात करें अगर इसके कोट की, तो यार इन दोनों का ही बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कोट होता है जिस कारण इनकी ग्रूमिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी होती है। अब बात करें अगर इनके वेट और हाइट की, तो पाकिस्तानी बुली एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है जबकि पिटबुल एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। पाकिस्तानी बुली की हाइट 30 इंच के आसपास होती है और इसका वेट लगभग 75 किलोग्राम के आसपास होता है, जबकि पिटबुल की हाइट 18 से लेकर 20 इंच तक होती है और इसकी वेट 30 से लेकर 35 किलोग्राम तक होता है। इसका लाइफ स्पैन 9 से लेकर 13 साल होता है, जबकि पाकिस्तानी बुली का लाइफ स्पैन 8 से लेकर 10 साल तक होता है। अब बात करते हैं इनकी अडेप्टेबिलिटी की, तो यार ये दोनों किसी भी वेदर पर रह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बुली को ठंडा वेदर कुछ ज्यादा ही पसंद होता है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो यार अगर आपकी एज काफी ज्यादा कम है और आप अभी फर्स्ट टाइम डॉग पाल रहे हैं, तो यार प्लीज आप इनको ना लें, क्योंकि ये काफी ज्यादा एथलेटिक होती है, इन्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपने पहले ही कोई डॉग पाल रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यार इन्हें ले सकते हैं। काफी अच्छे गार्ड डॉग और काफी अच्छे फैमिली डॉग भी बन सकते हैं। और अगर हम बात करें एरिया की, तो यार पिटबुल को थोड़े कम स्पेस की जरूरत होती है, जबकि पाकिस्तानी बुली को काफी ज्यादा लंबे स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि यार काफी बड़ा साइज होता है और इन्हें काफी ज्यादा दौड़ धूप करने के लिए ज्यादा जरूरत होती है। तो आप अगर खेत वगैरह के लिए आप लेना चाहते हैं ऐसे एज अ गार्ड डॉग, तो आप पाकिस्तानी बुली को ले सकते हैं यार, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आई होप यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार इसे प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि जो पहले कमेंट होगी उसे मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा और उसे एक शाउट आउट दूंगा। तो प्लीज यार कर दो, और चैनल पे नए हो तो यार इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।